हेलो दोस्तों, मैं स्वागत है मेरे YouTube चैनल सी ए फॉर एग्ज़ाम्स में। आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 8 और 9 अप्रैल 2020 के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला वास्तविक समय स्वास्थ्य निगरानी प्लेटफॉर्म कोविड 19 मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिप्लॉयड इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम हेल्थ सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म कोविड 19 मॉनिटरिंग सिस्टम? द राइट आंसर है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ठीक है, तेलंगाना सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इस ऐप को विकसित किया है। प्रणाली प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रत्येक दिन 1500 फोन कॉल और सरल चैटबॉट वार्तालाप से जानकारी के ले सकेंगे। जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको वो ठीक से क्वारंटाइन है या नहीं वो जानकारी ले सकेंगे। ठीक है, राइट आंसर है तेलंगाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजी लॉकर को राष्ट्रीय एकेडमिक डिपॉजिटरी घोषित किया है? रिसेंटली विच सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर डिजी लॉकर एज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी? राइट आंसर है HRD मिनिस्ट्री ने। ठीक है, डिजी लॉकर के जरिए उपयोगकर्ता अपने आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति डॉक्यूमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों को संग्रहित कर सकते हैं और चलते फिरते इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का HRD मिनिस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए किस बीमा समूह के साथ समझौता किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज टाइड अप विथ विच इंश्योरेंस ग्रुप टू लॉन्च अ कोरोना वायरस इंश्योरेंस पॉलिसी? द राइट आंसर इज भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत 25,000 रुपये की बीमा राशि के लिए 499 रुपये की कीमत पर खरीदी जा सकती है। बीमा पॉलिसी को सीधे एयरटेल थैंक्स ऐप के बैंकिंग सेक्शन से खरीदा जा सकता है या एयरटेल पेमेंट्स बैंक के निकटतम सक्रिय बैंकिंग पॉइंट ऑफ सेल्स पर जाकर खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कोविड 19 से स्वास्थ्य पेशेवरों को बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसने सैनिटाइजेशन एनक्लोजर्स और फेस शील्ड्स डेवलप किया है? रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड सैनिटाइजेशन एनक्लोजर्स एंड फेस शील्ड्स टू सेव हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फ्रॉम कोविड 19? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज, ठीक है, मेडिकल स्टाफ्स वगैरह हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है DRDO ने। ठीक है, वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान जो अहमदनगर में है, एक DRDO प्रयोगशाला ने पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष डिजाइन किया है जिसे PSE कहा जाता है। यह एक पोर्टल जिसमें सिस्टम है, एक पोर्टल सिस्टम है जो सैनिटाइजेशन और साबुन डिस्पेंसर से लैस है। ठीक है, तो ये डेवलप किया है DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कोविड 19 से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 4 योजनाएं शुरू की हैं? रिसेंटली बीच बैंक हैज लॉन्च 4 स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर टू टैकल कोविड 19। राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसी योजनाओं की घोषणा की है जहां वह मौजूदा स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उधारकर्ताओं को 1,00,000 तक का ऋण और मौजूदा फसल ऋण लेने वालों को 50,000 तक का ऋण मुहैया कराएगी। तो राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग राजा को किस लाइफ इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है? पराग राजा इज न्यूली अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंसेज? देन द राइट आंसर इज भारतीय एक्सा। ठीक है, जो पराग राजा आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य वितरण अधिकारी थे, अब वो MD एंड CEO बन गए हैं भारतीय एक्सा के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। L&T ने उन्नत IT सक्षम नेटवर्क के लिए इनमें से किससे
अनुबंध किया है जीता है। एल&टी विंस लार्ज कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग फॉर एडवांस्ड आईटी इनेबल्ड नेटवर्क। द राइट आंसर इज इंडियन आर्मी। ठीक है, एल&टी ने नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम के तहत सशस्त्र बलों के नेटवर्क को संचालित करने के लिए एक उन्नत आईटी सक्षम प्रणाली स्थापित करने के लिए भारतीय सेना इंडियन आर्मी से एक बड़ा अनुबंध जीता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किनके किनके बीच हुआ है? एल&टी इंडियन आर्मी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल रोमानी डे अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल रोमानी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? द राइट आंसर इज 8 अप्रैल। सिर्फ आप तारीख याद रखें, इंटरनेशनल रोमानी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अप्रैल एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकार ने फ्रंट लाइन कोविड 19 योद्धाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टू एम्पावर फ्रंट लाइन कोविड 19 वॉरियर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म? उस प्लेटफॉर्म का नाम है iGOT। ठीक है, लक्ष्य समूह डॉक्टर, जैसे फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स कौन हुए? डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कार्यकर्ता, टेक्नीशियंस, सहायता नर्सिंग, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं वो उन्हें फ्रंटलाइन कोविड 19 वॉरियर्स से यहाँ संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है iGOT। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड 19 से लड़ने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया? रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कोविड केयर ऐप टू फाइट कोविड 19? राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस कोविड केयर ऐप को उन लोगों के लिए विकसित किया गया है जो अपने स्वास्थ्य की स्थिति, शरीर के तापमान और महत्वपूर्ण लक्षणों सहित स्व रिपोर्ट जानने के लिए जान सकते हैं। जैसे शरीर में कुछ शरीर का टेम्परेचर नापना हो, शरीर के तापमान नापना हो, या कुछ लक्षण जानकारी लेना हो, तो कोविड केयर के थ्रू, इस ऐप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐप लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के थ्रू। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 8 और 9 अप्रैल 2020 के। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।